और क्या और आज 11 से 1 के बाद तो हमारा पेश करना है। अरे भैया भैया इलाव मत यार, चलो लाइक पीछे पीछे हां नीचे बैठ जाओ। अरे नीचे नहीं, अरे तेरे पीछे से अंदर भी आ जाता हूं। अरे कार्ड भी लगा। हां क्या सही है को मालूम है कि पिछले एक महीने के अंदर छतरी योजना हरिभव नगर में काफ़ी सारी चोरियां जो थी वो किशनगंज थाने में रेगुलर बेसिस के ऊपर हुई। इसके ऊपर एसपी सर, एडिशनल मैम, हेडक्वार्टर्स ने एक टीम बनाई थी कि हम इन वारदातों को कितनी जल्दी एड्रेस कर सकते हैं। उसके ऊपर काम करते हुए हम लोगों ने कुछ लोगों को ज़ीरो डाउन कर लिया था जो कि हमारे रेडार के ऊपर थे कि ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्हीं का पीछा चल रहा था तो हमारे एक जो मेन सस्पेक्ट था इसके अंदर, जिसको हमने बीच में एक्टिव भी देखा और वो पहले भी चोरियों में इन्वॉल्व था, वो था राजमणि। इसके बारे में जब पता चला तो इंटरेस्टिंगली एक बात ये सामने आई कि कोतवाली की पुलिस ने इसको नाकाबंदी के दौरान 151 के अंदर पाबंद किया और उसके पास से कुछ जो सामान था वो जब्त किया गया है। तो जैसे ही वो सामान की जानकारी आई, वापस से जो पूछताछ और जो नंबर्स वगैरह आए उसके बेसिस के ऊपर और पूछताछ को जो किया गया और बाकी जो हमें सपोर्ट चाहिए था टेक्निकल सपोर्ट, उसके बेसिस पे जब देखा गया तो रिसेंटली एक चोरी हुई थी जिसकी कल कंप्लेन आई थी एनपी ज्वेलर्स की। चोरी परसों रात को हुई थी और वजह से वो एफआईआर दर्ज हुई। उसका जो सामान था जब मैच करके देखा गया तो 102 की जो जब्ती थी वो काफ़ी हद तक मैच हो रहे थे। तो फिर इन लड़कों को जो है वो पूछताछ के लिए यहाँ पर लेके आया गया और इनसे फिर और जो बरामदगी थी वो मिली। इनके पास से सरिया जो कि दुकान वगैरह तोड़ने के लिए काम में आता है वो बरामद हुआ और बचा हुआ माल जो इन्होंने कहीं छुपा के रखा हुआ था वो बरामद हुआ। तो इस तरीके से एनपी ज्वेलर्स के अंदर जो चोरी हुई थी उसका ऑलमोस्ट जितना सामान गया है वो यहाँ पर इनसे रिकवर किया गया है। ये तीन जने हैं यहाँ पर जिसमें इन्वॉल्व हैं, जॉनी ऑफ राजमणि जो कि अभी कुछ टाइम पहले भी एक चोरी के मुकदमे के अंदर किशनगंज थाना पुलिस के द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा रणजीत है और इसके अलावा लक्ष्मण है। इसके अंदर से जो राजमणि है जिसका नाम जॉनी है उसके अगेंस्ट किशनगंज की तरफ से राजपासा जो है वो भी प्रस्तावित है क्योंकि ये एक लगातार चोरी जैसे अपराध के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से इन्वॉल्व आता है। ये कबाड़ी की दुकान रन करता है तो उसकी आड़ में ही रेकी करने के नाम की कबाड़ी के जैसे रेकी करता है और फिर उसके बाद ये जो चोरी है उसको अंजाम देता है। तो ये इसका मोटिव रहती है।